नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और ये है आज की खास खबरें। बजट में मिडिल क्लास को स्वागत, वित्त मंत्री के सबसे बड़े बजट भाषण से मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत। 5 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं, 7.5 लाख तक की आय पर अब केवल देना होगा 10% टैक्स। अब अपनी पसंद से भरो टैक्स, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में पेश किया टैक्स स्लैब चुनने का विकल्प। नए टैक्स स्लैब में रिटर्न दाखिल करने वालों को नहीं मिलेगी कोई छूट, पुराने स्लैब में मिलेगा टैक्स छूट का फायदा। टैक्स स्लैब से होगा कंफ्यूजन, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब का विकल्प देकर लोगों को उलझाया। बोले टैक्स विशेषज्ञ, अब रिटर्न दाखिल करने के लिए लेनी होगी टैक्स प्रोफेशनल की मदद। बजट से निराश बाजार, वित्त मंत्री के बजट भाषण से शेयर बाजार में निराशा। 987 अंक लुढ़क कर बंद हुए संवेदी सूचकांक सेंसेक्स, निफ्टी में भी 318 अंकों की बड़ी गिरावट। अब तुरंत मिलेगा पैन नंबर, बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, आधार कार्ड होने पर तुरंत मिलेगा पैन नंबर, पैन नंबर के ऑनलाइन आवंटन की शुरू होगी प्रक्रिया। LIC में सरकार बेचेगी हिस्सेदारी, LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, वित्त मंत्री का बजट में बड़ा ऐलान। सरकारी हिस्सा बेचने के लिए लाया जाएगा IPO, IDBI की हिस्सेदारी भी निजी निवेशकों को बेचने की तैयारी। बैंक डूबा तो भी 5 लाख सुरक्षित, बैंकिंग सिस्टम में लोगों को विश्वास बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में की बड़ी घोषणा। अब बैंक डूबने पर 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए मिलने की होगी गारंटी। अब बिजली के प्रीपेड मीटर, अब देश भर में बिजली के लिए लगेंगे प्रीपेड मीटर, वित्त मंत्री का बजट में ऐलान। बिजली कंपनी और स्मार्ट मीटरों को चुनने का होगा विकल्प, सबको बिजली देने का सरकार का लक्ष्य। किसानों को बंपर सौगात, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सरकार का लक्ष्य। बजट में किसानों के लिए 16 बड़े ऐलान, किसानों को सोलर पंप और किसान रेल योजना की सौगात। पटरी पर दौड़ेगी 150 प्राइवेट ट्रेन, देश भर में पटरी पर दौड़ेगी 150 नई प्राइवेट ट्रेन। बजट में रेलवे की सूरत बदलने के लिए वित्त मंत्री की कई बड़ी घोषणाएं। PPP मॉडल पर विकसित होंगे 4 स्टेशन, रेलवे की खाली जमीन पर लगेंगे सोलर पावर ग्रिड। विवाद से विश्वास स्कीम का ऐलान, पुराने कर विवाद को निपटाने के लिए वित्त मंत्री ने विवाद से विश्वास स्कीम का किया ऐलान। 31 मार्च 2020 तक केस के निपटारे के लिए नहीं देनी होगी कोई पेनल्टी या जुर्माना। बजट ना अच्छा ना खराब, वित्त मंत्री के बजट भाषण पर उद्योग और कारोबारी जगत का मिला जुला रुख। बजट को मिले 50% ही नंबर, CII के प्रतिनिधि ने बजट को बताया विजन डॉक्यूमेंट। PM ने की बजट की तारीफ, PM नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ, कहा किसान हितेशी है बजट। वित्त मंत्री बोली बजट से मिडिल क्लास को मिलेगी बड़ी राहत। सबसे बड़ा खोखला बजट, संसदीय इतिहास के सबसे लंबे बजट को राहुल गांधी ने बताया खोखला। बोले अखिलेश यादव, दिवालिया सरकार का दिवालिया बजट। बजट से चमका सोना, बजट ने बढ़ाई सोने की चमक, अब तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना। दिल्ली सराफा बाजार में प्रति 10 ग्राम सोना 42,370 पर पहुंचा। निर्भया के दोषी की दया याचिका खारिज, राष्ट्रपति ने खारिज की निर्भया के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका। पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही अगले आदेश तक दोषियों की फांसी पर लगा चुकी है रोक। शाहीनबाग प्रदर्शनकारियों से बात करेगी सरकार, शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार सरकार। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद का बयान, सरकार बातचीत के लिए तैयार, दूर करेंगे CA से संबंधित आशंका, 48 दिन से चल रहा है प्रदर्शन। अमोनिया के रिसाव से हड़कंप, नोएडा में नामी कंपनी हल्दीराम की बिल्डिंग में अमोनिया गैस लीक, 300 लोगों को किया गया रेस्क्यू, एक की मौत, आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। ईद पर फास्ट एंड फ्यूरियस 9, विन डीजल की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस का ट्रेलर आया सामने, 2020 की ईद पर होगी रिलीज। सलमान की राधे और अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम से होगा मुकाबला। तख्त की रिलीज डेट घोषित, करण जौहर ने अपनी फिल्म तख्त की रिलीज डेट घोषित की, ये फिल्म क्रिसमस 2021 को रिलीज होगी। इस दिन सलमान की किक 2 भी आएगी और तख्त में रणवीर सिंह, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, विकी कौशल, भूमि पेडनकर, जानवी कपूर और अनिल कपूर जैसे स्टार। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।